अस्सलामुअलैकुम माय वीवर्स, होप यू ऑल डूइंग वेल। मैं हूँ मलाइका और आप देख रहे हैं मलाइका फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी बहुत ही ज़्यादा क्विक एंड डिलीशियस वेजिटेबल मैक्रोनी की रेसिपी। तो बस वीडियो में एंड तक बनिए रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सबसे पहले एक पैन या पतीला ले लेंगे, उसमें डाल देंगे हाफ कप ऑयल। तो यहाँ पे ऑयल जब हमारा गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और इस पेस्ट को हमने लो फ्लेम पे अच्छे से सोते होने तक फ्राई करना है, ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ये एकदम अच्छे से सोते हो गया। अब जाके हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को ग्रेट कर लिया था, और टमाटर यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ के ले लिए थे। और अब हम इस टमाटर को अच्छे से भून लेंगे, तब तक जब तक ये जो टमाटर का पानी है ये ड्राई नहीं हो जाता तब तक। तो यहाँ पे जो टमाटर है इसका पानी ड्राई हो गया है और टमाटर का ऑयल भी नज़र आने लगा है। तो यहाँ पे ये एकदम अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने गाजर लिया है, जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। आपको जो भी शेप पसंद हो आप उसके हिसाब से वेजिटेबल कट करके ऐड कर सकते हैं। और शिमला मिर्च को भी मैंने सेम तरीके से स्लाइस में कट कर लिया था। और यहाँ पर गाजर और शिमला मिर्च मैंने 1-1 अदद लिया था। तो यहाँ पे इन वेजिटेबल्स को हमने सॉफ़्ट होने तक पकाना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, तो बस थोड़ा सा सॉफ़्ट करना है। तो यहाँ पे टाइम हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक 1/2 टीस्पून, और यह है लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, और यह है काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। साथ ही हम इसमें डालेंगे यहाँ पर ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर और नमक आप अपने जायके के मुताबिक इसमें कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन मसालों को डालने के बाद मसालों को हमने 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेना है, ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे सॉसेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऐड करेंगे सोया सॉस 2 टेबल स्पून भर के, और ये है सिरका, ये भी 2 टेबल स्पून जाएगा, और ये है चिल्ली सॉस, ये भी 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। इन सबको डालने के बाद यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन वेजिटेबल्स में। इन सॉसेस को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 1 मिनट के लिए पकाना है। फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बॉइल्ड मैक्रोनी। तो यहाँ पे मैक्रोनी को पहले ही मैंने बॉईल कर लिया था, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस नमक और ऑयल डाल के इसको अच्छे से हम टेंडर होने तक कुक कर लेंगे मैक्रोनी को। और उसके बाद यहाँ पर ठंडे पानी से गुजार के इसमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैक्रोनी डालने के बाद इन सबको हमने एक दफ़ा अच्छे से मिला लेना है। मिक्स करने के बाद मैक्रोनी को हमने वेजिटेबल के मसाले में 3 मिनट के लिए रख देना है, ताकि मसाला लो फ्लेम पे एकदम अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए मैक्रोनी में, और टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे 3 मिनट गुजर गए हैं, फ्लेम को बंद कर लेंगे, वेजिटेबल मैक्रोनी को निकाल लेंगे हम किसी प्लेट में। तो यहाँ पर हमारे पास एकदम क्विक एंड डिलीशियस वेजिटेबल मैक्रोनी तैयार है। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा मेरे स्टाइल में, आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। साथ में अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें। बेल आइकन को ऑन करने से जब भी मैं न्यू रेसिपी अपलोड करूंगी तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। साथ में लाइक कर दें, कमेंट करें, अपने प्यारों के साथ इस रेसिपी को शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें, बाय।